भौतिक विज्ञान के भाग 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यांत्रिकी चैप्टर से मैं यहाँ पर कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला लेके चल रहा हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 4 वीडियोज करा रखी हैं और ये है 5वीं वीडियो। और इस तरीके से आपके कुल 100 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि RRB NTPC CBT 2 का पेपर अब कुछ टाइम बाद हो जाएगा, क्योंकि CBT 1 का आंसर की आ गया है, रिजल्ट आने के बाद CBT 2 का पेपर होगा। और CBT 2 के सिलेबस को लेकर के मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है CBT 2 में क्या सिलेबस है और किस तरीके से कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरीके से आप अपने CBT 2 पेपर का तैयारी कर सकते हैं। उसी श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए मैं यहां पर CBT 2 को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को करा रहा हूं, जिसकी वजह से CBT 2 में जो 50 नंबर के GK से क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को और इस तरह के जितनी वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल में बना रखी हैं वो सभी रिसेंट में मैंने बनाई है, सभी को आप जाकर देखिए और अपने जीके को तैयारी करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम पेज ज्वाइन करिए, यहाँ पर आप मेरे वीडियो की PDF और लिंक दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। देखिए, स्केटिंग की जाती है बर्फ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दाब बढ़ती है, तो दाब बढ़ने से क्या होगा, क्या बर्फ का गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो देखिए क्या है कि दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे और ये प्रश्न कई बार पूछे भी जा चुके हैं दूसरे दूसरे एग्जामों में, अगर आपने ऐसे पहले पेपर दिया है तो आपको इसका आइडिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, चौराहों पर पानी के फुराने पे गेंद नाचती रहती है क्योंकि। देखो, गेंद का नाचने का कारण क्या होता है कि देखो, जब भी वेग ज्यादा होगा तो वेग ज्यादा होने की वजह से उसका जो है दाब है वो घट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पानी के वेग होने से दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से गेंद घूमने लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है ना, एक बहुत बड़ा आइस है, तो इस आइस को जो अगर ये पिघलेगा तो नीचे से पिघलना शुरू करता है ना कि ऊपर से। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि नीचे की सतह में ही इसका पूरा का पूरा दाब लगा रहता है और दाब ज्यादा होने की वजह से यहाँ गलनांक कम हो जाता है और ये पिघलने लगता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो लेटने की सलाह इसलिए जाती है क्योंकि लेटने से क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा और क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, तो इस वजह से आप दलदल में धंसने से बच जाएंगे। और आपको ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल भी आपको जानना चाहिए और आपको ये पता भी होना चाहिए कि जब भी आप कभी इस तरह की परिस्थिति में फंसे तो आपको सीधे लेट जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप दलदल में धंसने से बच जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। बिल्कुल, अगर आप दो बर्फ के टुकड़े लिए हुए हैं, अगर आपके पास फ्रीजर है तो उसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जब भी बर्फ के दो टुकड़े को आपस में लेकर के आप दबाएंगे तो वो दोनों ही एक साथ चिपक जाएंगे। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि दाब बढ़ेगा तो वहां पर गलनांक घटेगा और जिसकी वजह से वो बर्फ पिघल करके आपस में चिपक जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि। देखिए, आंधी आने पर टीन की हल्की छतें उड़ती इसलिए है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये आपका कोई घर है, ये शेड है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आंधी चल रही है तो आंधी चलने की वजह से जो ऊपर का जो प्रेशर होता है ना, ऊपर का आंधी का जो गति होती है काफी ज्यादा होती है और गति बढ़ने से क्या होता है, जो दबाव होता है वो कम होता है, लेकिन अंदर की तरफ में क्या है कि हवा का वेग कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ से प्रेशर ज्यादा होता है। जब ये प्रेशर ज्यादा होता है तो ये छत यहाँ से उड़ जाती है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दबाव उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर का वेग दाब कम होने की वजह से ये छत उड़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि।
तो आप देख सकते हो कि पट्टियों पे चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं ताकि जो रेल की पटरी है वो नीचे की तरह धंसे ना, और उस पे पड़ने वाला जो भी बल है रेलगाड़ी के द्वारा वो कम हो जाए, है ना। नहीं तो पटरियां क्या होंगी, धस जाएंगी और जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। आगे प्रश्न है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए क्या है कि जो वायुमंडलीय दाब जिसमें रहते हैं आप, वो आपके शरीर के लिए अनुकूलित है। अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और रक्त जो है वो बाहर निकलने लगता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? ये भी उसी इस तरह का प्रश्न है। अगर हवाई जहाज में आप एरोप्लेन से जब आप चढ़ेंगे और ऊंचाई पर जाएंगे, तो ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे वहां का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से फाउंटेन पेन जो है वो स्याही बाहर निकल आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? देखिए जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये जो मान है वो त्रिज्या पर डिपेंड करता है, त्रिज्या के कम होने से जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2% बढ़ जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे लग रहे होंगे, और इस हिसाब से अगर आपको ये ठीक लगते हैं तो बिल्कुल आप इन वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के तमाम वीडियोस और जो भी क्वेश्चन क्विज हैं उनको सॉल्व करिए और अपने जीके के ज्ञान को बूस्टअप करिए। चलिए अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान को क्यों बोलता है? हाँ देखिए क्या है कि जब भी आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का जो उबलने का जो पॉइंट होता है वो 100 डिग्री से कम हो जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पहाड़ों पर जाकर अगर आप खाना बनाएंगे तो आपका खाना देरी से पकेगा, क्योंकि पानी जल्दी ही बॉयल हो जाता है। जल्दी बॉयल होने की वजह से उसका तापमान बढ़ नहीं पाता और इसलिए खाना जल्दी पकता नहीं है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? है ना, जब बुलबुला ऐसा देखा होगा साबुन में, बहुत सारे बुलबुले झाग में ऐसे झाग के बुलबुले बने होते हैं, तो ये क्यों बने होते हैं? क्योंकि इनके अंदर का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो ज्यादा होता है और बाहर का कम होता है, तब ये बने रहते हैं। जैसे बाहर का दाब ज्यादा होगा ये बुलबुला फूट जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का वायु दाब, ठीक है। आगे है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? बिल्कुल फिसल जाएंगे क्योंकि वहां पर जो है घर्षण की कमी होती है। हमारा जो जीवन में हम जो भी चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, बहुत सारे जो कार्य हैं, इवन दैट आप सिटिंग किए हुए हैं, आप अपने टेबल पे बहुत सारी चीजें रखे हुए हैं, तो वो सब चीजें वहां पर वैसे पड़ी हुई हैं। इसका प्रमुख कारण है क्या, घर्षण। अगर घर्षण नहीं होता तो वो सारी की चीजें स्लिप करती रहती, आप चल नहीं पाते, आप बैठ नहीं पाते, आप साइकिल नहीं चला पाते, गाड़ियों में ब्रेक नहीं लग पाता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो पाती। तो घर्षण भी हमारे लिए एक बहुत ही प्रमुख चीज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक है? देखिए जब बैरोमीटर का पारा गिर जाता है तो इससे क्या पता चलता है, आंधी का झंझावात की संभावना, है ना, बहुत तेज आंधी आने वाली है, ऐसा इसमें बताया जाता है। आगे प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? देखिए हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है तो गैस अंदर भरी हुई है, और क्योंकि वो हल्की है इसलिए वो ऊपर की तरफ उठती जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठती जाएगी उसके आयाम में वृद्धि होती आएगी, ठीक है, गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा और अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि गुब्बारा फट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है ना? तो समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और इसकी वजह से ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है और आप ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता, इसलिए आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां पर जो होता है वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस वीडियो में मैंने वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को करा रहा हूँ, और ये 20 प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, और इस तरीके से वायुमंडलीय दाब से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, है ना, तभी तो प्लेन ऊपर की तरफ उठ पाता है। चलिए आगे प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, इसकी वजह से वो फट जाता है। आखिरी प्रश्न है आज का, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? देखिए बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो देखिए इसका प्रमुख कारण क्या है कि प्रेशर कुकर जो होता है वो पूरी तरीके से बंद होता है, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वाटर की जो बॉइलिंग होती है वो देर से होती है, और जब देर से होती है यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से खाना जल्दी पकने लगता है। तो यहाँ पर अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 20 प्रश्न करा दिए, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और आगे मैं इसी तरह के तमाम वीडियोज को लेकर के आता रहूँ। RRB, NTPC, CBT 2 के मद्देनजर रखते हुए इन सारे वीडियोस को मैं लेकर के आ रहा हूँ, और आप अगर CBT 2 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर आप अपने GK की सेक्शन जिसका काफी ज्यादा यहाँ पे वेटेज है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकेंगे। आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद जय भारत।